डियर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज सर्विस एग्जामिशन ट्वेंटी फैकल्टी इन एंड जे कैटेगरी सो आज मैं ए और जे की बात नहीं करूंगी आज मैं बात करने वाली हूं गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स में प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिकॉज जैसे कि आप सभी लोगों को पता है रेलवे की वैकेंसीज ई एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में एड हो चुकी हैं एंड डेफिनेटली ये ट्रेंड आपको ट्वेंटी में भी देखने को मिलने वाला है तो अब गेट के साथ-साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं रेलवे में नौकरी करने का जो आपका सपना है वो पूरा करने का मौका मिल रहा है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गेट एनएसी 2026 के कोर्सेज के बारे में जो मेड आप सभी लोगों के लिए लेके आ रहा है इन एन ऑनलाइन मोड एज़ वेल एज़ ऑफलाइन मोड दोनों ही मोड में आपको देखने को मिलेंगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स के बारे में बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं अगर हम बात करें ऑफलाइन की तो कौन कौन से ऐसे सेंटर्स से हैं जहां पर जाके आप क्लासेस बेसिकली uh, कंप्लीट कर सकते हो अपनी फॉर गेट एन ई एग्जामिनेशन ओके सो विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लाइव ऑनलाइन कोर्स की जो कि आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन गेट एग्जामिनेशन पी के जो इंडिविजुअल एग्जाम्स होते हैं वो एंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को भी आप टारगेट कर पाओगे ट्वेंटी में ये बैच आप सभी लोगों के लिए आ रहा है लाइव मोड में अगर मैं यहाँ पर स्ट्रीम्स की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल कर सकते हैं अगर मैं कोर्स की ड्यूरेशन की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 1250 से लेकर 1300 हंड्रेड आवर्स तक का आपको कोर्स देखने को मिलेगा आप यहाँ पर देख भी सकते हो काफ़ी सारे एग्जाम्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्रेहेंसिव वे में सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे और जब भी कभी सारे सब्जेक्ट कॉम्प्रेहेंसिव वे में होंगे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो नॉन टेक वाला पोर्शन है वो भी कवर होगा तो इतना टाइम तो आपका डेफिनेटली लगने वाला है ठीक है अब ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है फिफ्थ ऑफ नवंबर से ठीक है जी तो फिफ्थ ऑफ नवंबर से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है इसी के साथ साथ ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवंबर को नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एन में भी अभी ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ तो नाइनटीन ऑफ अक्टूबर को आपका ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जो एन हो रहा है वो होने वाला है उसके रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं बट येस ऑफलाइन बैचेस के लिए अभी भी आपके पास टाइम है अभी भी आपके पास चांस है रजिस्टर करने का आप रजिस्टर कर सकते हैं और ऑफलाइन कोर्सेज में अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको ऑफलाइन एन को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए ठीक है आगे बात करते हैं ये तो लाइव ऑनलाइन कोर्स हो गया अब इस कोर्स के फीचर्स की बात करें तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि सारे सब्जेक्ट का कॉम्प्रहेंसिव कवरेज देखने को मिलेगा गेट ई ए सी इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आपका सिलेबस है डाउट फैसिलिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पर आप जब लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको कोई डाउट आता है तो यहां पर डाउट चैट फैसिलिटी है सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे आपको यहां पर टेस्ट भी देखने को मिलने वाला है इसी के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो प्रिलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसका भी एक्सेस आपको इसी कोर्स के साथ देखने को मिलता है ठीक है सिलेबस कंप्लीशन आपका टाइम पर होगा बिफोर द एग्जामिनेशन आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा स्टडी मटीरियल देखने को मिलने वाला है वर्क बुक्स देखने को मिलने वाली है थ्योरी बुक्स आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं तो स्टडी मटेरियल का फुल सपोर्ट आपको इस कोर्स के साथ देखने को मिलेगा ठीक है देन डेफिनेटली इंट्रैक्टिव टीचिंग क्योंकि गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे मेडिजी के प्लेटफॉर्म पर जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आपको ट्रेन कर रहे हैं दे ऑल आर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाइड टीचर ठीक है तो ये तो कहने वाली बात नहीं है यू ऑल्सो नो दिस थिंग ठीक है एंड देन लाइव ऑनलाइन आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी बाई दी एक्सपीरियंसड फैकल्टी सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑफलाइन कोर्स ये जो कोर्स मैंने आपको बताया जो कि ई के लिए था गेट के लिए था पीएस के लिए था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए था सेम कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में भी देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन में आप ज्यादा बेटर डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं एक अच्छा ग्रुप बना पाते हैं आप जहां पर आप ग्रुप स्टडी कर पाते हैं टीचर आपके सामने साक्षात खड़े होते हैं तो आप ज्यादा बेटर तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाते हैं आफ्टर दी क्लास आप टीचर से डाउट पूछ पाते हैं तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ऑफलाइन मोड में इंटरेस्टेड है तो सेम कोर्स आपको ऑफलाइन में भी देखने को मिल जाएगा सेम ज होने वाली है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो भी आपका यहां पर सेम होने वाला है अब बात करते हैं कि मैम कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहां पर जाके हम ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं ठीक है तो एक दिल्ली सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली में भी मल्टीपल सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे भोपाल हो गया पुणे सेंटर हो गया जयपुर सेंटर हो गया हैदराबाद हो गया एंड कोलकाता हो गया ये सेंटर्स पर जाके आप अपने ऑफलाइन क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं विद मेडीजी अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑफलाइन की अगर यहाँ पर क्लासेज होंगी तो कब से बैचेस शुरू हो रहे हैं और इसकी टाइमिंग क्या होने वाली है तो देखिए हर सेंटर में अगर आप देखोगे तो बैचेस जो हैं वो अलग अलग टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि हम डेली की बात करें सिविल उसके बाद है और आपकी टाइमिंग होने वाली है मॉर्निंग सेवन टू वन थर्टी पीएम ठीक है टाइमिंग्स थोड़ी फ्लेक्सीबल होती है डिपेंड ऑन द एग्जाम रिक्वायरमेंट ठीक है तो उसका आप ध्यान रखिएगा भोपाल की बात करें तो सिक्स ऑफ जनवरी से शुरू हो रहा है सिक्स पीएम से लेकर 9:30 पीएम पर आपकी क्लासेस चलेंगी पुणे की बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव से बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं जिसकी टाइमिंग आपकी 9 एम से लेकर 1 पीएम रहने वाली है जयपुर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका ट्वेंटी एट ऑफ फेब्रेरी से शुरू हो रहा है यहां पर अगर आप टाइमिंग देखोगे तो 5 पी से लेकर 9 पी तक आपके क्लासेस चलने वाली हैं देन हैदराबाद में अगर हम बात करें तो नाइनटीन ऑफ तो फेब्ररी से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं 9 ए से लेकर 1 पी तक एंड कोलकाता में ट्वेंटी सेकेंड ऑफ फेब्ररी से आपका यहां पर बैचे स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है तो ये पूरी ऑफलाइन का डिटेल है फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेस एग्जामिनेशन गेट एग्जामिनेशन पी के इंडिविजुअल एग्जाम हो गए एंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं उसको भी आप इसी कोर्स के साथ टैकल कर पाओगे आसानी से क्रैक कर पाओगे ठीक है no. नौ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं वो ऐसा कोर्स चाहते हैं जिसमें उनके गेट की प्रिपरेशन हो जाए या फिर इंडिविजुअल पीएसयूज के अगर एग्जाम होते हैं तो उसकी प्रिपरेशन हो जाए एंड अलोंग विद दैट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन हो जाए तो उसके लिए भी आपको एक बढ़िया सा कोर्स देखने को मिलने वाला है बट उससे पहले ये जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी ठीक है डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में इसके कोर्स के फीचर्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं जैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सटेंसिव कवरेज आपको देखने को मिलेगा दोनों ही टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए ऑल इंडिया गेट की आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी वेल well रिसर्च्ड और रिफाइंड स्टडी मटीरियल आपको देखने को मिलेगा ठीक है इसी के साथ साथ रेगुलर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्लास रूम टेस्ट होते हैं क्योंकि आपकी ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो यहाँ पर आपको क्लास रूम टेस्ट को भी देने को मिलने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे फॉर योर गेट प्रिपरेशन ठीक है इसी के साथ साथ डाउट क्लियरिंग आपको देखने को मिल जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट क्योंकि टीचर वहां पर अवेलेबल है तो डाउट क्लियरिफिकेशन के लिए कुछ सोचना ही नहीं है कभी भी टीचर को आप पकड़ के बिठा लो और सारे के सारे टीचर्स काफी कॉपरेटिव हैं तो आपके सारे डाउट जो हैं क्लासरूम में ही क्लियर हो जाएंगे ठीक है इसी के साथ साथ सिलेबस भी आपका एग्जामिनेशन से पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा अच्छा गेट सी की सबसे खास बात यह है कि इनके जो एग्जाम मंथ्स हैं वो फिक्स्ड रहते हैं तो उसी हिसाब से पूरा आपका सिलेबस डिवाइड रहता है उसी हिसाब से आपकी क्लासेस चलती हैं एंड बिफोर द एग्जामिनेशन टाइमली आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है ठीक है नाउ अब वो एस्पिरेंट्स की बात करते हैं जो गेट पी एस सू स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक लाइव ऑनलाइन कोर्स है अगर मैं स्ट्रीम की बात करूं कंप्यूटर साइंस से हो आप सिविल से हो इलेक्ट्रिकल से हो मैकेनिकल से हो इलेक्ट्रॉनिक से हो इंस्ट्रूमेंटेशन से हो ये सारे के सारे स्ट्रीम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग थाउजेंड आवर्स का आपको पूरा सिलेबस देखने को मिलने वाला है ठीक है ये जो बैच है ये आपका फिफ्थ ऑफ नवंबर से शुरू हो रहा है तो ऑनलाइन बैचेस आपके नवंबर में शुरू हो रहे हैं और ऑफलाइन बैचेस में कुछ सेंटर पर आपके दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और कुछ सेंटर में आपके फेब्ररी मार्च से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया ठीक है देन गेट पी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ट्वेंटी में अगर आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हो तो भी आपको बैचेस मिल जाएंगे सेम स्ट्रीम के साथ सिविल हो गया कंप्यूटर साइंस हो गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये जो बैच है ये आपका दिसंबर से शुरू होगा और यहाँ पर भी वन थाउजेंड प्लस आर्स का आपको अप्रॉक्सिमेटली कोर्स देखने को मिलने वाला है ठीक है सेम टाइमिंग्स है डेली भोपाल पुणे जयपुर हैदराबाद कोलकाता में अगर आप देखोगे तो सिविल मैकेनिकल 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है सी एस ऑफ मार्च से शुरू हो रहा है टाइमिंग आपकी सेम है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो टेंथ ऑफ दिसंबर से आपकी शुरुआत हो रही है ठीक है देन भोपाल में सिक्सथ ऑफ जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है पुणे में ट्वेंटी सिक्स ऑफ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव से बैच स्टार्ट हो रहा है जयपुर में ट्वेंटी एट ऑफ फेबर से शुरू हो रहा है हैदराबाद में अगर हम बात करें तो नाइनटीन ऑफ फेबररी से एंड कोलकाता में अगर आप देखोगे तो ट्वेंटी सेकेंड ऑफ फेबररी से आपका यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है यस yes, एक चीज और बता दूँ आपको ये सारी डिटेल देने के बाद भी आपके कुछ बेसिक डाउट्स होंगे जैसे कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं कौन से सेंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट होंगे ठीक है तो इसके लिए मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ दिस इज़ योर नंबर नाइन ज़ीरो टू वन थ्री डबल जीरो फाइव डबल जीरो इस पर कॉल करके आप काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपको बेसिक डिटेल्स की और रिक्वायरमेंट है उसको आप इस नंबर के थ्रू जो है ना गेन कर सकते हैं इसी के साथ साथ अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे डब्ल्यू पर तो यहां पर भी आपको सारे के सारे कोर्सेस ऑलरेडी डिस्प्लेड देखने को मिल जाएंगे तो आप यहां पर भी जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कवर होंगे उसके फीचर्स यहां पर भी मैंने आपको दिखा दिए वहां पर जाके आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं और नंबर के पर कॉल करके आप अदर डिटेल्स जो आपको चाहिए वो भी आप यहां से पता लगा सकते हैं ठीक है इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो तो कॉल सेक्शन में लिख दीजिएगा डेफिनेटली मेड इजी टीम गोइंग टू एड्रेस ऑल द डाउट्स थैंक यू वेरी मच गुड बाय टेक केयर